एक बार की बात है, सीतापुर गांव के जंगल के किनारे एक बहुत ही ज्यादा पुराना और बहुत ही ज्यादा सुंदर स्कूल था। वो स्कूल बहुत साल पहले किसी कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन गांव के बच्चों के भविष्य के लिए इस स्कूल को दोबारा से खोल दिया गया और अब इस स्कूल में दूर दूर से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। इस स्कूल की टीचर्स भी बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देती थी। ऐसे ही एक दिन, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन, बच्चों चलो जल्दी से अपनी साइंस की बुक निकालो, मुझे आज चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कराना है। मैम आपने तो कहा था कि आज आप हमें लाइब्रेरी लेकर जाएंगी। बच्चों लाइब्रेरी किसी और दिन चलेंगे, आज नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ और तुम्हारा 9 चैप्टर कंप्लीट कराना जरूरी है, इसलिए आज मैं तुम्हारा 9 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। शर्मिला मैम अपनी क्लास के बच्चों को चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करा रही थी। वो साइंस बहुत अच्छा पढ़ाती थी और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता था, इसलिए वो छुट्टी पर जाने से पहले उनका चैप्टर कंप्लीट कराना चाहती थी। भूमिका और नताशा, बेटा ये है लो मेरे लॉकर की चाबी, मेरे लॉकर में एक रजिस्टर रखा है, जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ। भूमिका और नताशा शर्मिला मैम से लॉकर की चाबी लेती हैं और वो रजिस्टर लेने चली जाती हैं। कुछ समय बाद वो रजिस्टर लेकर आ ही रही थी कि तभी वो एक स्टूडेंट को देखती हैं, जिसे देखकर दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और वो दोनों अपने आप से कहती हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है, हाँ ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा सोचकर दोनों रजिस्टर लेकर क्लास में आ जाती हैं और उसके बाद पढ़ाई करने लगती हैं। लेकिन जब से उन्होंने उस स्टूडेंट को देखा था तब से वो थोड़ी डरी हुई थी। वो अपने दिल और दिमाग को समझा रही थी कि उन्होंने जो देखा वो सिर्फ एक भ्रम था और कुछ नहीं, सारा समय ऐसे ही बीत जाता है, अगले दिन भी वो बस उसी के बारे में सोचती रहती है। तभी मनीषा कहती है, भूमिका नताशा तुम दोनों को क्या हुआ है, तुमने संजना मैम का पूरा पीरियड मिस कर दिया, तुम ऐसे ही नोटबुक लेकर बैठी रही, तुमने कुछ भी नोट नहीं किया, सब ठीक तो है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए। नताशा और भूमिका किसी बात से बहुत परेशान थी, वो किसी से कुछ भी साझा नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि एक दूसरे से भी नहीं। कुछ समय बाद नताशा को प्रिंसिपल मैम के पास जाना था और वो प्रिंसिपल मैम के कैबिन में जा ही रही थी कि तभी उसे दोबारा वो स्टूडेंट नजर आती है। नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये तो मुझे इशारा भी कर रही है, ये मुझे इशारा कैसे कर सकती है, ये मुझे कैसे बुला सकती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ, नहीं नहीं मैं सपना कैसे देख सकती हूँ, मैं तो स्कूल में हूँ, मैं सपना नहीं देख रही, यह सच है, मगर यह सच कैसे हो सकता है। और कुछ समय बाद नताशा उस स्टूडेंट के पास जाती है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है वैसे ही वो वहां से अदृश्य हो जाती है। यह देख नताशा और भी ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी नजर एक छोटे से दरवाजे पर जाती है जिसे देखकर नताशा कहती है, स्कूल में यह दरवाजा क्यों लगाया गया होगा, यह तो बहुत छोटा दरवाजा है और इस पर इतना बड़ा ताला, जैसे इस दरवाजे के पीछे खजाना छुपा हो। और तभी उस ताले पर नताशा का हाथ लग जाता है और जैसे ही वो ताले को हाथ लगाती है वैसे ही दरवाजा खुल जाता है, नताशा अंदर पहुंच जाती है। दरवाजे के पीछे का नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक था। कौन है यहाँ, कौन है यहाँ,
यह स्कूल का कौन सा हिस्सा है? आखिर यहाँ कौन रहता है? कौन है यहाँ? और तभी नताशा की नजर एक और दरवाजे पर जाती है जो चमक रहा था। तभी नताशा को लगता है कि यह बाहर जाने का रास्ता होगा और वो उस दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए अंताक्षरी खेल रहे थे, जिन्हें देखकर नताशा के होश उड़ जाते हैं। राहुल, कृष, सुरभि, मोहिनी, नैना, तारा, तुम यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम तो उस एक्सीडेंट में मर चुके थे और तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? और तुम यहाँ आराम से अंताक्षरी खेल रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह कौन सी जगह है? इस स्कूल में यह कौन सी जगह है? नताशा, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो, अब तुम हमारे साथ रहने वाली हो। चलो आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ और हमारे साथ अंताक्षरी खेलो। चलो माँ से गाना शुरू करो। ये मैं क्या देख रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं सबको बता दूंगी कि तुम सब जिंदा हो। इस स्कूल के पीछे एक दरवाजा है और तुम सब वहाँ मौज मस्ती से रह रहे हो। मैं सबको बता दूंगी कि तुम सब जिंदा हो। अब तुम यहाँ आ चुकी हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, तुम इस जगह पर आराम से घूम सकती हो, तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारे क्लासमेट हैं, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होने देंगे। नताशा उन सभी की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत वहां से भागकर बाहर आ जाती है। नताशा को तभी एक और दरवाजा नजर आता है और वो उस दरवाजे को खोलती है तो वहां चारों तरफ आग लगी हुई थी। ये क्या है? यहाँ इस तरह से आग क्यों लगी हुई है? नताशा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो तुरंत उस दरवाजे से भी बाहर आ जाती है। तभी उसे एक और दरवाजा नजर आता है, लेकिन वहाँ से चीख पुकार की आवाज नहीं आ रही थी बल्कि बच्चों के पढ़ने की आवाज आ रही थी। नताशा डरते डरते उस दरवाजे को खोल देती है। दरवाजे के पीछे एक क्लास चल रही थी जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और एक टीचर उन बच्चों को पढ़ा रही थी। नताशा को लगता है कि वो सही जगह पहुँच चुकी है। तो प्यारे बच्चा, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया समझ में आ गया है ना? हमें भूख लगी है, हमें बहुत प्यास लगी है। बहुत समय से हमने कुछ भी नहीं खाया और ना ही हमने कुछ पिया है। हमें इंसान की खुशबू आ रही है। हमें लगता है अब हमारी प्यास भी बुझेगी और भूख भी मिटेगी। हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। और जैसे ही वो बच्चे नताशा की तरफ देखते हैं, नताशा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जो अभी यहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था वो नॉर्मल नहीं था। वो सभी बच्चे भूतिया बच्चे थे, वो टीचर एक डायन थी, जो सब एक साथ मिलकर नताशा की तरफ आने लगते हैं। यह देखकर नताशा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत उस दरवाजे से बाहर आ जाती है। आखिर यह स्कूल के पीछे कौन सी जगह है और यहाँ एक जैसे इतने सारे दरवाजे और हर एक दरवाजे के पीछे एक नई कहानी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसी भूल भुलैया है। मुझे यहाँ से जाना है। यहाँ यहाँ से जाने का
कौन सा रास्ता है? आखिर मैं इस भूल भुलैया से कैसे बाहर निकलूंगी? कैसे कैसे? नताशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस भूल भुलैया से कैसे बाहर निकलेगी, और वहीं दूसरी तरफ भूमिका इस स्कूल में नताशा के ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। भूमिका, क्या तुझे घर नहीं जाना? इस स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। भूमिका, तो ठीक तो है ना? देख, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती है। क्या हुआ, तो किसका इंतजार कर रही है? नताशा सेकंड पीरियड में प्रिंसिपल मैम के पास गई थी, और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। स्कूल की छुट्टी भी हो गई, लेकिन नताशा का कोई अता पता नहीं कहां चली गई। पता नहीं कहां है वो। अरे तुझे नहीं पता, संजना मैम ने बताया था कि नताशा की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो छुट्टी लेकर चली गई। ओह अच्छा, शायद उस समय तू वॉशरूम में थी, इसलिए तुझे पता नहीं चला। नताशा तो कब का घर जा चुकी है, और तू यहाँ उसका इंतजार कर रही है। चल अब घर चलते हैं। भूमिका को लगता है हो सकता है कि नताशा घर चली गई हो, और उसके बाद वो भी घर आ जाती है। कुछ समय बाद नताशा की मम्मी भूमिका के पास आती हैं। अरे बिटिया, तुम स्कूल से वापस आ गई, लेकिन तुम्हारी दोस्त नताशा तो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे लगा एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, इसलिए वो स्कूल से अभी तक वापस नहीं आई। बिटिया, नताशा कहाँ रह गई? नताशा घर पर नहीं है? अरे नहीं बिटिया, वो तुम्हारे साथ ही तो स्कूल से वापस आती है। अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई वो? भूमिका नताशा की मम्मी को कोई जवाब नहीं देती, और वो तुरंत मनीषा के घर जाती है। भूमिका, तुझे क्या हुआ? भूमिका शांत होकर मुझे बता, तुझे हुआ क्या है? नताशा स्कूल में है, नताशा स्कूल में ही है, हमें स्कूल जाना होगा। मनीषा, क्या तू मेरी मदद करेगी? तुझे पता है मैंने स्कूल में सुरभि को देखा था, मुझे लगा मेरा वहम होगा, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। मनीषा मनीषा, हमें तुरंत अभी स्कूल जाना होगा। भूमिका, यह तो क्या कह रही है? सुरभि, सुरभि तो मर चुकी है ना, फिर वो तुझे स्कूल में कैसे नजर आ सकती है? और यह समय स्कूल जाने का नहीं है, स्कूल तो बंद हो चुका है, हम स्कूल कैसे जा सकते हैं? भूमिका, मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं, तुझे आराम करना चाहिए, तभी तो तू ऐसी अजीबोगरीब बात कर रही है। जा घर जाकर आराम कर। मनीषा देख, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, हमें तुरंत स्कूल जाना होगा, प्लीज मना मत कर, चल ना मेरे साथ, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, और तूने कहा था कि तू मेरी मदद करेगी। मनीषा भूमिका की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और वो उसके साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, और दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं। नताशा नताशा नताशा, कहाँ हो तुम? देखो मुझे पता है कि तुम स्कूल में ही हो। नताशा नताशा, भूमिका पूरे स्कूल में कोई भी नहीं है, हमने एक एक क्लास का कोना कोना अच्छी तरह देख लिया है, वॉशरूम स्टाफ रूम सब कुछ, लेकिन यहाँ नताशा नहीं है। भूमिका, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि नताशा स्कूल में ही है? क्योंकि मैंने सुरभि को स्कूल में देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि नताशा स्कूल में ही है। नताशा कहाँ हो तुम? अरे मनीषा, तुमने यह दरवाजा देखा? स्कूल में यह दरवाजा कहाँ जाने का है? यह दरवाजा आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। और तभी उस दरवाजे के ताले पर भूमिका का हाथ लग जाता है, और हाथ लगते ही वो दरवाजा खुल जाता है, और दोनों उस भूल भुलैया के अंदर पहुंच जाती हैं। अंदर का दृश्य देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। ये हम कहाँ आ गए? स्कूल में यह कौन सी जगह है? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। भूमिका चल वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मनीषा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मनीषा वो दरवाजा कहाँ है? वो दरवाजा तो नजर ही नहीं आ रहा।
भूमिका, सामने देख, एक और दरवाजा है और वहाँ हल्की सी रोशनी भी आ रही है। लगता है बाहर जाने का एक वही दरवाजा है। चल जल्दी से चलते हैं इससे पहले कि हम किसी का शिकार हो जाएं। दोनों जैसे ही दरवाजे के पास जाती हैं और उस दरवाजे को खोलती हैं तो वहाँ सुरभि डांस कर रही थी। सुरभि को इस तरह से डांस करता हुआ देखकर दोनों चौंक जाती हैं। सुरभि, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो और यह कौन सी जगह है और तुम यहाँ इस तरह से डांस क्यों कर रही हो? सुरभि, हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। तुम जिंदा हो लेकिन कैसे? ये हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रही और ये सुरभि इतना अच्छा डांस कैसे कर रही है? इसे तो डांस आता भी नहीं। भूमिका, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मनीषा के इतना कहते ही सुरभि वहां से अदृश्य हो जाती है। अपनी आंखों के सामने से सुरभि को इस तरह से गायब होता हुआ देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और वो तुरंत बाहर आ जाती हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, वो कांप रही थी। तभी उन्हें बहुत सारे एक जैसे दरवाजे नजर आते हैं। मनीषा, मैंने तुझसे कहा था ना, मैंने स्कूल में सुरभि को देखा था। आखिर सुरभि जिंदा कैसे हो सकती है और यह कौन सी जगह है और यहाँ इतने सारे एक जैसे ही दरवाजे? आखिर बाहर जाने का दरवाजा कौन सा है? यह कैसे भूल भुलैया है? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? और ऊपर से नताशा भी नहीं मिल रही। भूमिका और मनीषा बहुत ही ज्यादा डरे हुई थी कि तभी उन्हें नताशा की आवाज आती है। अब यह देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि भूमिका और मनीषा इस भूल भुलैया से नताशा और अपने आप को कैसे बचाती हैं।